हेलो, देखो आज डिलेड स्वीप के बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन ये देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन की एक एक चीज़ को डिकोड करेंगे। ये एसएससी जेई 2014 में आया है और काफ़ी आरवीवीएनएल वगैरह इनमें सीआरएस रिलेटेड तो काफ़ी सवाल आते ही हैं, ठीक है। अब ये देखो, द टेक्निक ऑफ एडिंग एन प्रीशियस अमाउंट टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन सीआरओ इज नोन एज। तो ये जितनी भी टर्म्स आई है, ठीक है, ये प्रीशियस टाइम डालना है, किसके बीच में डालना है, ट्रिगर पॉइंट तो वो क्या होता है, और बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप, स्कोप स्वीप के बिगनिंग में डालना है ना सीआरओ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डिलेड स्वीप होती है जो ट्रिगर पॉइंट और स्कोप स्वीप की शुरुआत के बीच में जो अपन टाइम डिफरेंस डालते हैं वो डिलेड स्वीप कहलाता है। अब देखो, डिलेड स्वीप को समझने से पहले अपन ये थ्योरी बाद में रीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ऐसे डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले जिनको स्वीप ना नहीं पता होना तो मैं बता देता हूँ, स्वीप होती है सीआरओ में अपन क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट को टाइम के साथ लीनियंटली इंक्रीज होने वाला बनाते थे, ठीक है। ये देखो, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो उस वो जो वेवफॉर्म होती है उसको अपन स्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या कर रहा है, डिलेड स्वीप में अपन को क्या करना है, अपन को जो मान लो ये स्वीप यहाँ से स्टार्ट हुई, अपन को इसको यहाँ से स्टार्ट ना करा के इस पॉइंट से स्टार्ट कराना, तो इतना अपन को डिले डाल देना है। तो इसी टेक्निक को अपन देखो डिलेड स्वीप कहते हैं। अब देखो, यहाँ से ये ज़्यादा समझ में आता, देखो सबसे पहले अपन को डिले स्वीप बनाने के लिए, मेन स्वीप बनाने के लिए ट्रिगर करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो सीआरओ की होती है, वहाँ पे देखो ट्रिगर सर्किट में अपन ने इनपुट दिया, ठीक है। जैसे ही अपन ने इनपुट दिया, अपनी जो मेन स्वीप है वो तैयार हो गई है, देखो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज या करंट जो है लीनियर फंक्शन हो गया टाइम का, ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट ना होके दूसरी जगह से स्टार्ट हो, तो अपन ने क्या किया, डिले कंट्रोल सिस्टम लगाया। उसमें आप सीआरओ में देखोगे बटन होता है इसका भी, ठीक है, जो रेगुलेटर टाइप का होता है गोल घूमने वाला। तो देखो, ये टाइम डिले अपन ने इतना डाल दिया, ठीक है। ये जैसे ये वेव बना रखी, इसमें इतना टाइम डिले डाल दिया, तो अब वेव जो है वो यहाँ से शुरू होगी। तो जो डिलेड स्वीप निकली वो कैसी निकली, यहाँ से निकली। देखो, इतना टाइम डिले डाला है अपन ने, अब शुरू जो होगा वो यहाँ से होगी अपनी स्वीप। तो ये टाइम डिले स्वीप जो बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये ऐसा फंडा काम करता है। और ये टाइम डिले अपन 10 पिको फेराड से 10 सेकंड तक का डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, थ्योरी में आपको और समझ में आएगा। अब ये देखो, पहले मैंने यही डेफिनेशन लिखी है, स्वीप हुज बिगनिंग इज डिलेड फॉर अ डेफिनेट टाइम आफ्टर द पल्स दैट इनिशिएट द स्वीप। एक पल्स है जो स्वीप को इनिशिएट करती है, अपन को वहां से शुरू ना करके उसको उस टाइम को डिले करना था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, देखो फिर से रीड कर देगा, अ स्वीप हुज बिगनिंग इज डिलेड, एक स्वीप जिसकी बिगनिंग को अपन ने डिले किया है फॉर अ डेफिनेट टाइम आफ्टर द पल्स दैट इनिशिएट द स्वीप। और कब डिले किया, पल्स जिस पल्स ने स्वीप को इनिशिएट किया था उसके बाद अपन को डिले डालना है, ठीक है। इसके बाद ही डिले डालना था, ये ट्रिगर ने इस वाली स्वीप को इनिशिएट किया, अपन चाहते हैं कि ये यहाँ से इनिशिएट ना के थोड़ा सा टाइम और लेके फिर ये स्वीप स्टार्ट हो। तो वही काम अपन ने यहाँ पे किया। और ये 10 याद रहना, 10 पिको सेकंड से 10 सेकंड तक का टाइम डिले अपन डाल सकते हैं। उसके बारे में ये आप थ्योरी और देख लो तो आपको और ज़्यादा सही आएगा। डिलेड स्वीप इज अ टेक्निक दैट एड अ प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड द बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप। एक टाइम डिले डाला, क्या कहाँ पे, किसके बीच में डाला, एक तो ट्रिगर पॉइंट के बीच में और बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप, इन दोनों के बीच में डाला है अपन ने जो डाला था अपना क्या, टाइम डिले, ठीक है। ये देखो, आप वापस यहाँ से देख लो, ट्रिगर पॉइंट और बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप के बीच में अपन ने ये टाइम डिले डाला, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है, आप इससे ज़्यादा और समझोगे। व्हेन द स्कोप इज बीइंग यूज्ड इन द स्वीप मोड, जब स्कोप को अपन स्वीप मोड में काम में लेते हैं, द स्टार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्वीप कैन बी डिलेड टिपिकली फ्रॉम अ फ्यू पिको सेकेंड टू टेन सेकेंड। तो मैंने बताया ना, जैसे ही अपन ट्रिगर करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को, तो वहाँ पे ट्रिगर के बाद अपन क्या करते हैं कि उसको डिले कर सकते हैं स्वीप डाल के, ठीक है, डिलेड स्वीप के मेथड से। तो यही देखो, बिल्कुल ये जो लाइन लिखी गई है, बिल्कुल ये कही एसएससी जेई ने अपना क्वेश्चन उठा के डाल दिया, और ये काफ़ी बार दूसरी जगह भी आया है। द टेक्निक ऑफ एडिंग अ प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन सीआरओ इज नोन एज डिलेड स्वीप। थैंक यू।